हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अजय। मैं आपको क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक करवा रहा था, जिसमें हमने पिछले वाले क्लास में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C कंप्लीट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स इसमें डिक्लेयर करेंगे। जैसे ये जो आप साइन देख रहे हो, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है सम। ठीक है, जैसे मान लो आप 1 + 2 + 3 + 4 कोई सीरीज दिया हुआ है एन टर्म तक, ठीक है, तो उनका सम को दिखाने के लिए हम ये वाला साइन लगा देंगे एन तक। तो इसका सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। फिर सम ऑफ 1 इज इक्वल टू इसका क्या होगा, एन। ये आइडेंटिटी से बस आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में यूज़ होगा। सम ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। सम ऑफ एन क्यूब एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1³ + 3³ + 5³ + 2n terms। ठीक है, गिवन सीरीज नॉट इन AP। ये जो सीरीज दिया हुआ है, जैसे 1³ होगा, 3³ 27, 5³ 125, तो AP में होगा नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे कि जब देखते हैं कि अगर इसमें क्यूब ना होता तो 1, 3, 5 ऐसे अगर जा रहा होता तो ये मेरा सीरीज़ में होता। देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, तो ये सीरीज़ में जा रहा है। ठीक है, AP है, तो 1, 3, 5 इन AP। तो इसके फर्स्ट टर्म हो गया क्या, 1। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 - 1 2। नंबर ऑफ टर्म्स n, nth टर्म 1 + n - 1 × 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ये a + n - 1 × कॉमन डिफरेंस। सॉल्व करेंगे ये 2n - 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। ये क्यूब लगाने का मेन मोटो क्या है कि जो हमारा सीरीज दिया हुआ था 1³ + 3³ + 5³, ठीक है, उसके लास्ट टर्म वाले को हम लोग क्यूब करेंगे, क्योंकि ये तो आया था 1+3+5 का लास्ट टर्म। तो इसको क्यूब करेंगे तब वो मेरा लास्ट टर्म आ जाएगा उस वाले सीरीज़ का, 1³ + 3³ + 5³ का। तो इसको करते हैं, तो ये किस टर्म में आ गया, ए, ये ए हो गया, ये 1 क्या हो गया, बी, ए माइनस बी का होल क्यूब। आप जानते हो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b + 3ab² होता है। ठीक है, बस उसी फॉर्मूला में पुट कर देना, ए का वैल्यू यहाँ पर 2n है, बी का वैल्यू 1 है, तो ए का क्यूब तो 2n³ माइनस बी का क्यूब 1³ माइनस 3a² 2n² इंटू बी प्लस 3ab². इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली nth टर्म आ गया। ये कैपिटल लिया मैंने 1³, 3³ के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पर लगाते हैं, तो सम ऑफ nth टर्म वैसे ही, सम ऑफ 8n³ माइनस सम ऑफ 12n², सम ऑफ 6n माइनस सम ऑफ 1। ठीक है, सम ऑफ 1 का तो पता ही है क्या आता है, n, तो हम इसमें डायरेक्टली ले लेंगे। सम ऑफ 1 का क्या होता है, n, तो इसकी जगह n बैठा दिए। यहाँ पर जो भी नंबर्स है कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर लेंगे, 12, 8, n³। अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा था, एन क्यूब का वैल्यू क्या था, एन इंटू एन प्लस 1/2 ऑल स्क्वायर, एन स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6, एन का पढ़ा था एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब इन सभी को सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, 6² 12, 4² 8, 2³ 6। ठीक है, यहाँ पर 2n² एन प्लस 1 का ऑल स्क्वायर 2n, 2n + 1 3 × n² + n - n। ठीक है, यहाँ पर माइनस एन को अकेले छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं एन एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एन और एन प्लस 1 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2n n + 1। यहाँ से एन इंटू एन प्लस 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 × 2n + 1। यहाँ ऑलरेडी एन इंटू एन प्लस 1 था, बस यहाँ पर क्या बचा, 3। कॉमन ले लिया हम लोग एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक माइनस एन, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2n² + 2n 4n, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये -2n, इसको सॉल्व करेंगे n इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एन 2n² - 2n + 1 माइनस एन, एन स्क्वायर इंटू 2n⁴ -2n³, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये वाले एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा 2n³ हो जाएगा, ये इससे -2n² फिर
एन, माइनस एन एन कैंसिल, टू एन क्यूब माइनस टू एन क्यूब कैंसिल, माइनस टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा और टू एन द पावर फोर। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, एन स्क्वायर कॉमन लिए, टू एन स्क्वायर माइनस वन, ये फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर है, वन पॉइंट थ्री नहीं है ये, वन मल्टीप्लाई थ्री है, ये डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट एक बैठा जाता है जो मल्टीप्लाई को शो करता है। ठीक है, वन मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई फाइव, फाइव मल्टीप्लाई सेवन, टू एन टर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वन थ्री फाइव, ये ए पी में जा रहा है, ये थ्री फाइव सेवन, ये ए पी में जा रहा है, तो इन दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे हम लोग। वन थ्री फाइव, वन थ्री फाइव को निकालेंगे तो वन हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस टू, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है, एन है तो एन माइनस वन, मल्टीप्लाई लगा देंगे क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये सब, तो थ्री इंटू थ्री प्लस एन माइनस वन टू। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करने के बाद आपको टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन आ गया, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी इसमें फुलफिल कर रहा है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये मल्टीप्लाई है, ये याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू एन का स्क्वायर फोर एन स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म, तो ये इस उसी की तरह सिग्मा फोर एन स्क्वायर माइनस, इसका एन हो जाएगा, ये फोर बाहर निकल जाएगा, एन एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, थ्री टू जो सिक्स कैंसिल हुआ, ये सॉल्व होगा, एलसीएम आ गया थ्री, ये माइनस इसके नीचे क्या है वन है, तो थ्री एन हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन स्क्वायर इंटू टू एन, टू एन क्यूब एन स्क्वायर इंटू वन एन स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा टू एन स्क्वायर, फिर ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा एन माइनस एन, फिर टू सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर एन क्यूब टू एन स्क्वायर, फोर एन स्क्वायर टू एन माइनस थ्री एन। ठीक है, फाइनली अब जो लाइक टर्म है उसको प्लस माइनस करेंगे, फोर एन क्यूब ये अकेला है, ये लाइक टर्म है, इसको प्लस करेंगे सिक्स एन स्क्वायर, ये लाइक टर्म है एन और एन, तो थ्री टू माइनस थ्री एन माइनस एन बाई थ्री। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे एन, एन बाई थ्री, ये आ जाएगा अलग, फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस वन, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड नंबर, अब देखते हैं हम थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, वन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, वैसा ही क्यूब वाले जैसा था वैसा ही ये क्वेश्चन, मगर देखते हैं ये वाला। गिवन सीरीज नॉट इन ए पी बट राइट द नंबर विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर को हटा कर अगर हम लिखते तो वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन, देखते हैं यहाँ पर थ्री का डिफरेंस है, थ्री का डिफरेंस ये सीरीज़ में जा रहा है, ये ए पी, ये सीरीज़ ए पी है। ठीक है, इसका एन टर्म फाइंड करेंगे, वन प्लस एन माइनस वन थ्री, सॉल्व करेंगे थ्री एन माइनस टू आएगा। अब ये कैपिटल से कर देते हैं, वन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का लास्ट टर्म को हम क्या से कर रहे, सो टी एन, ये किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस सीरीज का क्या कर देंगे, वो स्क्वायर, ये क्या आएगा फाइनली, लास्ट टर्म आएगा वन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का। ठीक है, थ्री एन माइनस टू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला जानते ही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर नाइन एन स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है टू का स्क्वायर फोर माइनस टू ए बी, तो टू टू जो फोर, फोर थ्री जो ट्वेल्व, ट्वेल्व एन। ठीक है, ये आ गया सॉल्व करके। उसके बाद सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म हम निकालेंगे सम, नाइन एन स्क्वायर सिग्मा फोर सिग्मा ट्वेल्व एन, सबको बाहर कर लेंगे, नाइन फोर को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या, फोर को जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर वन आएगा। ठीक है, ये ट्वेल्व एन, तो n स्क्वायर का क्या होता है आपको पता ही है, n स्क्वायर का क्या है, n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, इसका क्या होगा n ओनली, तो फोर एन हो जाएगा, या ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, टू सिक्स या ट्वेल्व, टू थ्री या सिक्स, थ्री या नाइन। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा आपका थ्री टू। ठीक है,
तो यहाँ पर नीचे क्या वन, तो वन कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा टू को, टू टाइम्स में, तो टू फोर जो एट टेन, यहाँ पर तो टू सिक्स जो ट्वेल्व, ये ट्वेल्व है ठीक है, ट्वेल्व एन एन प्लस वन ठीक है। अब इसको यहाँ से इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एन स्क्वायर इंटू टू वन, सिक्स एन क्यूब, थ्री एन स्क्वायर प्लस वन, थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन टू एन से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स एन स्क्वायर थ्री एन ठीक है, प्लस एट एन माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेगा टू एन, ट्वेल्व एन इंटू एन माइनस ट्वेल्व एन स्क्वायर, ट्वेल्व एन इंटू वन माइनस ट्वेल्व एन ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब चलो लाइक टर्म वाले को एक तरफ करते हैं, एन क्यूब और कहीं पर है एन क्यूब नहीं है तो उसको यहाँ पर रख देते हैं, एन स्क्वायर वाले को सिक्स प्लस थ्री नाइन एन स्क्वायर माइनस ट्वेल्व, तो नाइन माइनस ट्वेल्व क्या होगा थ्री, ट्वेल्व बड़ा है उसके आगे का साइन माइनस लगेगा, थ्री एन स्क्वायर ठीक है, प्लस थ्री एन प्लस एट एन एलेवन एन, एलेवन एन माइनस ट्वेल्व एन माइनस एन हो गया ठीक है। इसका फाइनली आंसर हम देखते हैं, इसका फाइनली आंसर क्या आ रहा है हमारा ठीक है, एन बाई टू सिक्स एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस वन ठीक है, ये फाइनली हम लोग का आंसर आ गया इसका ठीक। अब हम लोग फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर वाले में क्या है, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा एंथ टर्म तक ठीक है। तो ये एंथ टर्म अगर इसका लास्ट टर्म देखा जाए तो लास्ट टर्म क्या ले सकते हैं, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर तक ले सकते हैं इसका लास्ट टर्म ठीक है। किसी सीरीज का एक लास्ट टर्म होगा तो वो लास्ट टर्म ये है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सम सिर्फ निकालेंगे, ये वाला जो सीरीज है इसका सम, जैसे वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का पहले आप निकाल रहे थे ना, तो अब ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसका लास्ट टर्म एक तरह से थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का, थर्ड वाले नंबर क्वेश्चन का ये हो गया, तो एन स्क्वायर हो गया ये, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, इसका निकालिए सम, ये इसका वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर एन स्क्वायर ठीक है, इसका हम सम निकाल दिए ठीक है। अगर आप बोलोगे कि इसे एक बार प्रूफ करके दिखाएं तो ये देखिए, वन का स्क्वायर कितना हुआ वन, टू का स्क्वायर कितना हुआ थ्री, और थ्री का स्क्वायर कितना नाइन, नाइन प्लस नाइन वन टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन हुआ इनका सम। चलिए इसमें पुट करके देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है थ्री ठीक है, तो थ्री, थ्री प्लस वन फोर, थ्री टू द सिक्स प्लस वन, सिक्स प्लस वन सेवन हो गया, सेवन तो ये थ्री है, ये थ्री टू द सिक्स, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं वन प्लस फोर प्लस नाइन ठीक है, इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है हमारा फोर्टीन आ रहा है ठीक है। तो ये शो करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो आया है तो इसका सम है कि नहीं, तो हम तीन ही तक लेके देख रहे हैं कि इनका सम इस टर्म में आता है कि नहीं, तो ये पुट करते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ठीक है, तो थ्री, थ्री प्लस वन टू इंटू थ्री प्लस वन बाई सिक्स, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में ये सारा, थ्री टू या सिक्स हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया फोर इंटू टू थ्री या सिक्स सेवन, सेवन बाई टू, टू टू या फोर सेवन टू या फोर्टीन, तो यस ये लाई कर रहा है, इसका सम है ये ठीक है। तो ये एंथ टर्म हो गया आपको, इसका सम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो ये आपको वन बाई सिक्स एन मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन, इसका एंथ टर्म को क्या करेंगे सम करेंगे, ये पूरा, ये पूरा का पूरा को अब हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे ठीक है। तो सिग्मा एंथ टर्म वन बाई सिक्स, इसमें लग गया सिग्मा, सिग्मा थ्री एन स्क्वायर सिग्मा एन ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो हट जाएगा टू थ्री एन, तो इसका क्या होता है वैल्यू, इस आइडेंटिटीज का एन इंटू एन प्लस वन, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन स्क्वायर का वैल्यू आपका एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और एन क्यूब का वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ठीक है, ये अब ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे फाइनली, तो इसको सॉल्व नहीं करना, हमको क्या निकालना है इसका टेंथ टर्म निकालना है, मतलब जो ये सीरीज जा रहा है
वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। इसके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टेंथ टर्म तक हमको इसका सम निकालना है। ठीक है, ये वाला जो जा रहा है वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, इसका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, बस यही फाइंड करना हमको। तो इसका टेंथ टर्म हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एस टेन या टी टेन लिख देंगे, और यहाँ पर टेन की जगह एन की जगह क्या पुट कर देंगे, टेन पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर टेन इंटू टेन प्लस वन बाई टू, थ्री इंटू टेन, टेन प्लस वन टू इंटू टेन, ट्वेंटी प्लस वन, बस पुट कर देना है इसमें टेन का वैल्यू, टेन प्लस वन सॉल्व करना है। टेन इंटू इलेवन वन है टेन बाई टू, दिस ये कैंसिल करेंगे, थर्टी इंटू इलेवन इंटू टू कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इंटू इलेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टी वन बाई सिक्स। ठीक है, फाइनली ये वन बाई सिक्स, सिक्स थाउजेंड फिफ्टी प्लस वन एलेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव ऐड करने पर सेवेंटी टू हंड्रेड सिक्सटी आया, वन बाई सिक्स, सिक्स कैंसिल करेगा ट्वेल्व हंड्रेड टेन टाइम्स, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, ओके।